मैं डॉक्टर नवीन राम दारुका आज अब YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को IVP के बारे में बताना चाहूँगा। IVP क्या होते हैं? IVP का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो इट इज़ इंट्रावीनस पाइलोग्राम। IVP एक बहुत ही सरल टेस्ट है जिसमें पेशेंट को एक्सरे यूनिट में एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसे कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं, और ये कॉन्ट्रास्ट देने के बाद ये किडनी तक पहुँचती है और उसके बाद ये किडनी से एक्सक्रीट होती है, मतलब किडनी से निकलती भी है। और जब कभी भी इसमें मल्टीपल फिल्म लिए जाते हैं, किडनी को इस फिल्म के माध्यम से देखा जा सकता है जिससे हम किडनी की एनाटॉमी देख सकते हैं, किडनी कैसी है, किडनी में स्वेलिंग है कि नहीं है उसे देख सकते हैं, किडनी में कहीं स्टोन फंसा है तो उसकी लोकेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, किडनी में फंक्शनिंग किडनी की प्रॉपर है कि नहीं है या किडनी नॉन एक्सक्रीटिंग है, ये सब कुछ हमको IVP के माध्यम से पता चलता है। लेकिन IVP करने के पहले कुछ एक दो प्री रिक्विजिट है जो पेशेंट को पता होना चाहिए। एक तो उनका क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि IVP एक कॉन्ट्रास्ट स्टडी होती है और कॉन्ट्रास्ट इट्सेल्फ किडनी डैमेजिंग करती है, इसलिए ऑलवेज IVP उन पेशेंटों में किया जाता है जिनकी किडनी हेल्दी है। इसके लिए पेशेंट को हम प्रिपेयर होने के लिए बोलते हैं, स्पेसिफिकली प्रोसीजर के IVP के एक दिन पहले पेशेंट को कुछ टैबलेट्स खिलाए जाते हैं जैसे डलकोलेक्स के टैबलेट, जिससे उनका पेट साफ़ हो जाए, उनकी गैस की प्रॉब्लम कम हो जाए, ताकि नेक्स्ट डे जब कभी हम IVP करें तो उनकी फिल्म बहुत ही क्लियर निकले। जिस दिन IVP होती है पेशेंट को खाली पेट रहना चाहिए ताकि गैस फॉर्मेशन कम हो, कम गैस फॉर्मेशन होने से फिल्म की क्वालिटी बेटर हो, किडनी का स्ट्रक्चर बेटर दिखता है, कुछ एनाटॉमी डिलिनेशन बेटर होता है, स्टोन्स और कुछ और समस्याएं होती है तो वो बेटर दिखती है, इसलिए IVP के पहले पेशेंट को खाली पेट रहना चाहिए। और पेशेंट को बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पी के आना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई फ्लूड इंटेक नहीं लेना चाहिए प्रोसीजर के एक दिन पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लूड इंटेक लेने से IVP में बेसिकली IVP की फिल्म उतनी अच्छी नहीं आती है। इसलिए पेशेंट शुड बी स्लाइटली डिहाइड्रेटेड, नॉट ओवर डिहाइड्रेटेड और नॉट ओवर हाइड्रेटेड। और उसके बाद इसमें IVP में कुछ समय लगता है, क्योंकि इसमें एक्सरे यूनिट वाले कुछ मल्टीपल फिल्म्स लेते हैं, 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, डिपेंडिंग ऑन द एक्सरे फिल्म और डिपेंडिंग किडनी कितने देर में अच्छा विजुलाइज होता है। कभी कभी हमें इसमें काफ़ी लंबे समय तक एक्सरे फिल्म लेना पड़ता है, मे बी अप टू 6 आवर, मे बी 12 आवर, 24 आवर तक, क्योंकि जब किडनी अच्छी विजुलाइज नहीं होती है तो हमें मल्टीपल फिल्म लेके ये देखना पड़ता है कि जो कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन पेशेंट को लगा है क्या वो किडनी तक कब तक एक्सक्रीट होता है। बहुत बार नॉन फंक्शनिंग किडनी में या नॉन एक्सक्रीटिंग किडनी में 24 आवर तक की फिल्म किडनी क्या कॉन्ट्रास्ट किडनी तक नहीं पहुंच पाता है, इसका मतलब ये कि किडनी इज नॉन एक्सक्रीटिंग और ऑलमोस्ट मे बी नॉन फंक्शनिंग ऑल्सो। तो एक IVP एक बहुत ही सरल टेस्ट है जिसके माध्यम से हम बहुत कुछ बता सकते हैं किडनी की एनाटॉमी के बारे में, किडनी की हाइड्रोनेफ्रोसिस उसके बारे में, किडनी कितना काम कर रहा है इसके बारे में पता चल सकता है। और इसके पहले पेशेंट को खाली पेट रहना चाहिए और उसके पहले पेशेंट की किडनी फंक्शनिंग ठीक होनी चाहिए, दैट इज़ क्रिएटिनिन शुड बी विद इन नॉर्मल रेंज। एंड उसके IVP के पहले पेशेंट को हम कुछ मेडिसिन दे के ही IVP कराते हैं। थैंक यू।